क्या आपका नफ्स छोटा पतला और टेढ़ा है? क्या आपका मादा मणि पतला और पेशाब के साथ कतरे आते हैं? क्या हम बिस्तर के वक्त आपका नफ्स ढीला रहता है? क्या आपकी सेक्स टाइमिंग बिल्कुल कम है? क्या आपका एहतलाम बहुत ज़्यादा होता है? क्या आपको शहवत बहुत कम या बिल्कुल नहीं आती? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आदाब, मैं हकीम मोहम्मद सऊद आलम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्दाना जिनसी कमज़ोरी या ज़ोफ़े बाग का इलाज और शाही शबाब के फ़ायदे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नस्ल इंसानी को बढ़ाने के लिए मर्द और औरत का जिनसी मिलाप एक ज़रूरी अमर है। हर दौर में मर्द के साथ औरत भी इस चीज़ की ख्वाहिश रखे हुए है कि मर्दाना जिनसी मिलाप का दौरानिया तवील से तवील और लुत्फ से भरपूर हो, क्योंकि औरत की जिनसी ख्वाहिश की तकमील के लिए तवील दौरानिया ज़रूरी है। इस मकसद को पूरा करने के लिए मर्द को जिनसी तौर पर मुकम्मल सेहतमंद होना लाजमी है। अगर आपका नफ्स छोटा पतला और टेढ़ा है, या आपका मादा पतला और पेशाब के साथ कतरे आते हैं, या हम बिस्तरी के वक्त आपका नफ्स ढीला रहता है, या आपकी सेक्स टाइमिंग बिल्कुल कम है, या आपका एहतलाम बहुत ज़्यादा होता है, या आपको शहवत बहुत कम या बिल्कुल नहीं आती, तो कुछ हम वजूहात पेश कर रहे हैं, उनको जहन नशी कर लें। मुश्तजनी, सिगरेट नोशी, शुगर, मोटापा, जहनी दबाव, डिप्रेशन, गंजापन और नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल मर्दाना कमज़ोरी की सबसे अहम वजह है। मर्दों में मर्दाना कमज़ोरी का अहम सबब अज़ू ख़ास की कमज़ोरी है। मुश्तजनी और गैरफितरी तरीक़ों से जिनसी लुत्फ़ हासिल करने से मर्दाना अज़ू तनासुल पतला, सुस्त और कमज़ोर हो जाता है। अज़ू तनासुल की रगें उभर आती हैं और अज़ू टेढ़ा हो जाता है। बार बार की तहरीक और रगड़ से अज़ू ख़ास के एसाब अजलात और रगें कमज़ोर हो जाती हैं। अज़ू तनासुल इंतशार के आलम में भी नर्म और ढीला रहता है। जिनसी मिलाप के लिए अज़ू तनासुल का कवि होना नहायत ज़रूरी है, वरना औरत जिनसी लज़्ज़त से महरूम रहती है। औरत का जिनसी लज़्ज़त से महरूम रहना औरत के लिए नफ़रत और चिड़चिड़ापन का बाइस बनता है, जिसकी वजह से अज़वाजी ज़िंदगी ख़राब होकर रह जाती है। बहुत से नौजवान मर्दाना कमज़ोरी की वजह से शादी के नाम से भी डरते हैं, लेकिन शाही शबाब ऐसे नौजवानों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होता। ज़्यादा मुबाशत करने से भी नफ्स में ढीलापन, सुस्ती और कमज़ोरी आ जाती है। यह दौर 25 से 40 साल के दरमियान होता है, जब नई नई शादी के जुनून में मर्द रोज़ाना ही मुबाशत करता है। शादीशुदा मर्द के लिए सेक्स अज़वाजी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार और लज्जत अमेज़ काम होता है। लिहाजा ये फितरी बात है कि शादीशुदा जोड़ा जिनसी आमोर के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरना उनकी चाहत होता है, और 40 से 45 के बाद अधेड़ उम्री का दौर शुरू हो जाता है। इस उम्र में अक्सर लोग किसी न किसी जिस्मानी बीमारी में मुबतला हो जाते हैं, जो मर्दाना कमज़ोरी का बाइस बनती है। शुगर और दीगर बीमारियों की वजह से एसाब और पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, अज़ू तनासुल में जान नहीं रहती और उसमें सख्ती, अकड़ाव और तनाव की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और टाइमिंग इंतहाई कम हो जाती है। ऐसे अफराद के लिए शाही शबाब इंतहाई मुफीद है। शाही शबाब क्या है? तो शाही शबाब 100% नेचुरल मुख्तलिफ देसी जड़ी बूटियों का मुरक्कब है, जिसके इस्तेमाल से मुश्तजनी या कसरत मुबाशरत की वजह से होने वाली कमज़ोरी, ढीलापन, शहवत का ना आना, टेढ़ापन, नफ्स का छोटा हो जाना, नफ्स का पतला हो जाना, नफ्स की रगें नज़र आना जैसे मसाइल चंद दिनों में ठीक हो जाते हैं। रोज़ाना रात को सोने से पहले एक एक खुराक इस्तेमाल करने से नफ्स में नई जान आ जाती है। शाही शबाब नफ्स की रगों में खून के बहाव के निज़ाम को ठीक करता है, नफ्स के पट्ठों को मजबूत करता है, जिसमें से नफ्स वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाता है। शाही शबाब में 3 किस्म की दवा है, 2 किस्म के माजून और 1 कैप्सूल है। तरकीबें इस्तेमाल बहुत आसान है, बस दोनों माजून से एक एक चाय का चम्मच लेना है और 1 कैप्सूल पानी के साथ। शाही शबाब 100% देसी जड़ी बूटियों से बना हुआ है। इसका किसी भी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि मर्दाना मसाइल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अंग्रेज़ी अद्वियात से बहुत बेहतर है। शिफा अल्लाह देता है, पर हमने जो रिज़ल्ट अपने यहाँ इसके देखे हैं, उस बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि शाही शबाब के इस्तेमाल से आपकी ज़िंदगी इंतहाई हसीन हो जाएगी और कभी शर्मिंदगी नहीं होगी इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आए होंगे। मज़ीद अगर आप किसी तरह का सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं,
और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। खुदा हाफिज़।